दोस्तों, दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ अजीब अजीब से हरकत करते ही रहते हैं। ऐसा एक किस्सा अडेलियर एंटोनियो द कार्ली नाम की इस बंदे के साथ भी है, जिन्होंने 1000 बलून्स में खुद को बांधकर आसमान में उड़ा लिया। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अब ये सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग लग रही है उतनी खतरनाक भी है। फिर आगे जो हुआ इस बंदे के साथ सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लाती ही रहती हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये बात है 2008 की। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में इस बंदे ने 1000 बलून्स के साथ खुद को बांधकर पूरी तैयारी के साथ खुद को आसमान में उड़ा लेता है। ऐसा इस बंदे ने पहले भी किया हुआ था। मतलब इस बंदे ने 600 बलून्स के साथ खुद को बांधकर 17000 फीट ऊपर उड़ा दिया था और सेफली लैंड भी हुए थे। पर इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल इस बंदे ने 20000 फीट हाइट तक पहुंचने के बाद नीचे आने लगा लैंड करने के लिए, तभी अचानक से तेज हवा आई और उस बंदे को ओशन की तरफ बहा ले गई और फिर वो लौट के कभी नहीं आया और ना ही कुछ उसके बारे में पता चला। फिर 3 महीने के बाद एक बंदे की डेड बॉडी ओशन में मिलती है, जो कि इसी बंदे की थी।